प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पेपर जो सेकंड है उसकी थर्ड यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत राज्य सरकार के जो विभाग हैं, निदेशालय हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो आज हम गृह विभाग जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागरिकों की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्य का प्राथमिक कार्य है। इस कार्य को निष्पादित करने का दायित्व गृह विभाग वहन करता है। आधुनिक शासन प्रणालियां या जो पहले की जो पुरानी शासन प्रणालियां हैं उनमें राजस्व एकत्रण तथा शांति स्थापना के प्रयास किसी न किसी प्रशासनिक संरचना द्वारा हमेशा होते रहे हैं। अतः राजस्व विभाग की तरह ही गृह विभाग का जो अतीत है वो क्या है, गौरवमयी और समृद्ध है। राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में नगर कोतवाल, दरोगा तथा महामंत्री द्वारा राज्य में शांति स्थापना की जाती थी। कालांतर में ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक सुरक्षा का जो कार्य है वो पुलिस शब्द से गहराई से जुड़ गया। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान की जो देशी रियासतें थी उसमें क्या अपनी अपनी पुलिस व्यवस्था कार्यरत थी। सन 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम के पश्चात ब्रिटिश प्रांतों में सेना तथा पुलिस के जो कार्य हैं उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया और इस प्रकार गृह विभाग का विशिष्ट कार्य आंतरिक सुरक्षा अभियोजन अर्थात मुकदमे तथा कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़ गया। इस परिवर्तन का प्रभाव राजपूताना की जो रियासतें थीं उस पर भी पड़ा। कुछ रियासतों में इंस्पेक्टर जनरल अर्थात आईजी का पद अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भरा जाता था। जयपुर नगर के आसपास के क्षेत्रों के लिए कार्यरत पुलिस बल गिराई कहलाता था। आज़ादी के बाद में एकीकृत हुए राजस्थान की सभी रियासतों या ठिकानों के जो पुलिसकर्मी हैं वो द राजस्थान पुलिस इंटीग्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 के द्वारा राज्य सरकार के गृह विभाग के कर्मचारी बन गए। अब हम इसके संगठन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। गृह विभाग का संगठन जो है, गृह विभाग जो है उसका मुखिया या प्रमुख जो होता है वो गृह मंत्री होता है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राजस्थान में सचिवालय स्तर पर यह विभाग गृह मामले व न्याय विभाग कहलाता है। गृह मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री तथा उपमंत्री भी नियुक्त किए जा सकते हैं। गंभीर, संवेदनशील तथा विशालकाय विभाग होने के कारण इसका संचालन बड़ा कठिन, अत्यंत ही कुशल तथा वरिष्ठ राजनेता द्वारा किया जाता है। सचिवालय में गृह विभाग का जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो प्रमुख शासन सचिव गृह कहलाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी होता है। गृह विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों तथा कार्मिकों को नेतृत्व व नियंत्रण प्रदान करने सहित नीति निर्माण का प्रशासनिक दायित्व गृह सचिव का है। गृह सचिव के अधीन दो विशिष्ट सचिव भी कार्यरत होते हैं। एक विशिष्ट सचिव गृह सुरक्षा और दूसरा विशिष्ट सचिव विधि एवं निदेशक अभियोजन। सचिवालय स्तर पर गृह तथा गृह अभियोजन दो इकाइयां हैं जो गृह मंत्री तथा गृह सचिव के अधीन कार्यरत हैं। गृह विभाग में 6 उप सचिव जो क्रमशः सुरक्षा, पुलिस, अपील, जेल, मानवाधिकार, समन्वय, नागरिक सुरक्षा आदि विभागों को संभालते हैं और एक लेखाधिकारी का पद भी होता है। इसी प्रकार गृह अभियोजन विभाग में 2 अतिरिक्त निदेशक होते हैं, एक अभियोजन न्यायालय
निदेशक और एक अभियोजन पुलिस का निदेशक होता है। एक सहायक विधि परामर्शी, इन दोनों विभागों के अधीन अनेक अनुभाग अधिकारी भी होते हैं। कार्यालय सहायक भी होते हैं तथा मंत्रालय कार्मिक भी होते हैं। गृह विभाग की जो ये संरचना है इसके अंतर्गत क्या है, इसको ग्रुपों में भी बांटा गया है। कुल क्या है, गृह विभाग में 13 ग्रुप हैं। सचिवालय स्तर में या सचिवालय में जो कारागार विभाग को क्या है, पृथक विभाग का दर्जा दे दिया गया है। जेल विभाग अलग बना दिया गया है, जो कैदी कानूनों तथा कैदी कल्याण से संबंधित कार्य निष्पादित करता है। राजस्थान जेल सेवा, जेल प्रशासन, जेल निर्माण, रक्षा तथा विकास कार्य कारागार विभाग के ही हैं। इसी तरह राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो तथा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग भी क्या है, अब अलग स्थापित कर दिए गए हैं। गृह विभाग का मानवाधिकार प्रकोष्ठ जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ संबंध है, जिसमें एक महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। इसी प्रकार राज्य महिला आयोग के साथ महिला पुलिस थाने भी जुड़े हुए हैं, इसमें भी एक अधिकारी आईजी या महानिरीक्षक स्तर का है। राजस्थान में पहला महिला थाना गांधीनगर जयपुर में 1989 में खोला गया था। राज्य पुलिस की जो अपराध शाखा है वो अपराधियों का पता लगाने तथा खुफिया सूचनाएं एकत्रित करने हेतु क्राइम पुलिस हेल्पलाइन 2000 में शुरू की थी उन्होंने। इसमें कोई भी व्यक्ति 1090 ये टेलीफोन नंबर है, उस पर मुफ्त कॉल करके पुलिस को अपराधों की सूचना दे सकता है। राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के द्वारा 25 अप्रैल 2013 से पुलिस स्थापना बोर्ड तथा 5 मई 2013 से राज्य पुलिस आयोग स्थापित कर दिया गया है। इसके पश्चात हम जो गृह विभाग है उसके कार्यों को थोड़ा देख लेते हैं। गृह विभाग का जो प्रथम कार्य है वो राज्य की सुरक्षा, शांति स्थापना व व्यवस्थापन में नीति निर्माण करना है। अर्थात राज्य की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए, उसमें शांति स्थापना किस प्रकार से हो, व्यवस्था कानून व्यवस्था किस प्रकार से बने, तो उसके लिए जो पॉलिसी है वो उसके निर्माण में क्या है, गृह विभाग राज्य सरकार की मदद करता है। दूसरा कार्य है राज्य के कानूनों का क्रियान्वयन तथा संबंध विभागों में समन्वय। गृह विभाग से संबंधित जो भी नीतियाँ बनती है, कानून बनते हैं, उनका क्रियान्वयन ये करवाता है। और उससे जुड़े हुए जो विभाग हैं उनमें क्या है, ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जिससे क्या है, किसी प्रकार का कानून क्रियान्वयन में विरोधाभास ना हो, इसको भी वो देखता है। तीसरा जो है अधीनस्थ संगठनों तथा कार्मिकों पर नियंत्रण तथा निर्देशन। जैसा कि हम अभी संगठन में पढ़ा था कि उसके अधीन कई प्रकार के संगठन हैं, तो ये जो संगठन हैं उन संगठनों पर क्या है, ये नियंत्रण रखता है और उनको मार्गदर्शन देता है। और जो कर्मचारी हैं उनको भी क्या है, नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गृह विभाग जो है सांप्रदायिकता, आतंकवाद, अपराध तथा कुप्रवृत्तियाँ जो है उन पर भी क्या नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। मानवाधिकारों की रक्षा तथा कैदियों का कल्याण से संबंधित भी ये कार्य करता है। और गृह विभाग भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए इसके लिए भी प्रयास करता है। गृह विभाग मुद्रा, राजभाषा, वीजा, हथियार तथा विस्फोटक सामग्री संबंधी जो नियमन हैं वो भी करता है और जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी सहायता करता है। गृह विभाग पुलिस, कारागार तथा अन्य जो संबंधित संगठन हैं उनमें कार्यरत जो कार्मिक हैं उनके कल्याण और प्रोत्साहन के भी कार्य करता है। अंतिम जो कार्य है अधीनस्थ जो कार्यकारी संस्थाएं हैं या जो निदेशालय हैं उन पर क्या है,
नियंत्रण व निर्देशन करता है। तो इस प्रकार से हमारे जो पाठ्यक्रम में गृह विभाग का संगठन और कार्य के बारे में ये बताया गया है। आपको इसके नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप को यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप इसमें मुझसे समझ और पूछ सकते हैं।